बौखलाए रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार, यूक्रेन पर किया अब तक का बड़ा हमला। जानिए यूक्रेन में कितनी हुई तबाही। यूक्रेन को तबाह करने पर उतारू रूस का रुख लगातार उग्र होता जा रहा है। नतीजा ये है कि अब युद्ध बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। दरअसल क्रीमिया ब्रिज के ब्लास्ट के बाद रूस बौखला गया है, लिहाजा रूसी सैनिक यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। एक बार फिर रूस ने सोमवार को फिर से यूक्रेन पर हमले किए हैं। यूक्रेन के पीएम ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने उनके 3 रीजनों पर ड्रोन से हमले किए हैं। इस अटैक में उनके कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। इतना ही नहीं, इस हमले में करीब 100 टाउन की बिजली गुल हो गई है। एजेंसी के मुताबिक रूस ने सोमवार की सुबह राजधानी कीव के केंद्र पर ड्रोन से हमले किए थे। ये अटैक उस वक्त हुए जब लोग घरों से बाहर थे। बताया जा रहा है कि हमले भीड़भाड़ वाले इलाके में किए गए थे। इसके साथ ही यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना ने गोलीबारी भी की है। रूस ने एक सप्ताह में दूसरी बार यूक्रेन में हमले किए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सेंट्रल कीव में धमाकों के बाद यूक्रेनी सेना ने ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की। इसके लिए ड्रोन पर कई फायर किए गए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस के एक अधिकारी ने बताया कि कीव में एक आवासीय इमारत पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए हैं, जबकि कुछ इमारतें भी तबाह हुई हैं। आपातकालीन सेवा के कर्मचारी आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। यूक्रेन ने कहा कि ये अटैक ईरान द्वारा तैयार आत्मघाती ड्रोन द्वारा किए गए हैं, जो पहले अपने टारगेट पर जाते हैं और वहां विस्फोट करते हैं। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने पूरे यूक्रेन में सैन्य ठिकानों और एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला किया है। राष्ट्रपति व्लोडोमीर जेलेंस्की ने कहा कि पूरी रात और सुबह दुश्मन हमारी नागरिक आबादी को आतंकित करता है। कामिकेज ड्रोन और मिसाइलें पूरे यूक्रेन पर हमला कर रही हैं। उधर यूक्रेन के गृह मंत्री ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी मिली है कि सोमवार के रूसी हमलों में यूक्रेन के अलग अलग शहरों में कई लोगों की मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध को अब तक 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस युद्ध का असर दुनिया के हर देश पर महंगाई के तौर पर पड़ रहा है। साथ ही कई देश इसे रोकने की अपील रूस के राष्ट्रपति से भी कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के प्रति अपना रुख और उग्र करते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि वो लगातार हमलों पर हमले कर रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।